Yeah, North American continent mein people who live here are very aware of these bushfires which take place every now and then. Ek pura ka pura forest hai, wo tabah ho jata hai. So I remember a couple of years ago, Canada mein there was a big, huge bushfire, like a territory mein. Aur usme hua ye tha ke all animal life living there was totally burned down. Aur ek chota sa hiran ka bacha, he survived. Wo jo hiran ka bacha tha, he survived. He survived for about 30 days, 20 days. And ultimately expired. So एक local Canadian newspaper ने बड़ी एक dripping headline लगाई, is God dead? तो मेरा सवाल है गांधी साहब से कि हम ये देखते हैं कि जो calamities आती हैं, चले इंसानों पर तो आती हैं, सुनामीज आ गए, सैंडीज आ गए, बहुत सारे और चीज़ें आ गई. इंसानों के मामले में तो लोग हमारे जो clergy है उस तरह से explain करती रहती है कि हमारे गुनाहों की सज़ा है. अगर अभी नेपाल में calamity आई तो उन्होंने कहा जी कि फलां की सज़ा है. चलें उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन जानवरों का इस तरह से चले जाना और फिर इतने मकरूह और क्रूल अंदाज में टू बी बर्न टू दैट इज आई एम श्योर आप सब रियलाइज करते हैं इट्स सच अ हॉरेंडस थिंग. सो हाउ वुड यू जस्टिफाई गॉड? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मदिल अमीन. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. छुट्टी के दिन की मसरूफियात छोड़कर यहाँ तशरीफ़ लाए, इस तालिबे इल्म की इज़्ज़त अफज़ाई फरमाई, इसके लिए आपका भी और मुंतज़मीन का भी शुक्रगुज़ार हूँ. जो सवाल मुझसे पूछा गया है इसके बारे में चंद गुज़ारिशात मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ. ये जो कारखाना बनाया गया है ये ज़िंदगी और मौत का कारखाना है. चुनाचे कुरान मजीद जब इसका जिक्र करता है तो ये कहता है कि खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने ये कारखाना ज़िंदगी और मौत का कारखाना बना दिया है. यहाँ एक ही लम्हे में लोग पैदा हो रहे हैं, परवान चढ़ रहे हैं, अरिस्तु अफलातून बन रहे हैं, और उसी लम्हे में सैकड़ों लोग रुखसत हो रहे होते हैं. ज़िंदगी और मौत का ये कारखाना क्यों बनाया गया? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसका ये जवाब दिया है कि उन्होंने फ़ैसला किया कि वो एक अबदी दुनिया बनाए जिसमें एक ऐसी मखलूक हो जो अगरचे हमेशा से तो नहीं है लेकिन वो हमेशा हमेशा ज़िंदा रहे. ये एक गैर मामूली फ़ैसला है. यानी बज़ाहिर तो हम एक लफ्ज़ बोल देते हैं हमेशा की ज़िंदगी, एटर्नल लाइफ. ज़रा थोड़ी देर के लिए रुक कर गौर करें तो ये हकीकत है कि ये इंतहाई गैर मामूली, इंतहाई हैरत अंगेज़ चीज़ है कि एक मखलूक कभी नहीं मरेगी, उस पर कभी मौत वारद नहीं होगी, वो हमेशा ज़िंदा रहेगी. और वो हमेशगी बिल्कुल उसी तरह की हमेशगी हो जाएगी जैसे इस कायनात के खालिक की हमेशगी है. यानी वो अज़ल से भी है, अबद तक है. और वो ये बशारत दे रहा है कि मैंने एक ऐसी मखलूक को पैदा करने का फ़ैसला कर लिया जो शऊर के साथ ज़िंदगी पाएगी और अपने हक की बुनियाद पर हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर लेगी. तो ये हमेशा की ज़िंदगी है जो एक अजीम नेमत के तौर पर खुदा के वादे की हैसियत से पैगंबरों ने आकर हमें बताई है. कुरान मजीद ये कहता है कि इस हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करने से पहले हमने एक आर्जी दुनिया बना दी और इस आर्जी दुनिया को इस मकसद के लिए बनाया कि उस दुनिया में दाखिल होने से पहले हम ये देखें कि कौन वहाँ अमन, सुकून, चैन और नेमत के साथ दाखिल होना चाहता है और कौन अपना मुस्तकबल बर्बाद करके दाखिल होना चाहता है. इसी चीज़ की मुनादी करने, इसी का पैगाम पहुंचाने, इसी हकीकत को वाज़े करने के लिए तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम आए. कुरान मजीद में अगर आप देखें तो ये बताया गया है कि हमने जब इस दुनिया की इब्तदा की तो सब इंसानों को इसका शऊर था कि वो एक दिन अपने परवरदिगार के सामने जवाबदेह होने वाले हैं. लेकिन फिर जब उनमें कुछ इख्तलाफात पैदा हुए तो फिर अल्लाह ताला ने नबियों का सिलसिला शुरू किया और वो किस लिए आए? मुबशरीन व मुंदरीन. वो ये बताने के लिए आए कि मौत के बाद एक अबदी ज़िंदगी
इंसान का ताबूत करे, मौत पर दुनिया खत्म नहीं हो रही बल्कि असल जिंदगी की कदा हो रही और वह जिंदगी अबदी जिंदगी। इस अबदी जिंदगी में दाखिल होने से पहले जब इम्तहान के लिए किसी मखलूक को रखा जाए तो वहाँ दो ही बहुत बड़ी हकीकतें होंगी जिनको हर वक्त हर शख्स के सामने रहना चाहिए। एक ये कि ये ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जानी, यानी कोई खुदा के वजूद के बारे में बहस कर सकता है, आखिरत के बारे में बहस कर सकता है, मौत के बारे में बहस नहीं कर सकता, वो एक अटल हकीकत है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो इंसान के सामने रहनी चाहिए और जिसको अक्सर व बेशतर हम फरामोश कर देते हैं वो ये है कि एक दिन बहरहाल रुखसत होना है। ज़िंदगी एक दिन, ये ज़िंदगी, ये आर्जी ज़िंदगी, ये दुनिया की ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तो पहली चीज़ जो अहम तरीन है और जो शायद सबसे गैर अहम बन जाती है वो मौत की याद दहानी है। और दूसरे ये कि ये मौत अगरचे लफ्ज़ के एतबार से ज़िंदगी का ख़ात्मा है लेकिन ये हकीकत में ज़िंदगी की इब्तिदा है। तो ये दूसरी चीज़ है जिसकी याद दहानी फिर पैगंबरों ने क़यामत का दिन और रोज़े जज़ा कह के कराई। इससे ये मालूम हुआ कि सबसे बड़ी चीज़ जिस पर इंसान को मुतनब्बे होना है, खबरदार होना है, वो मौत है। लेकिन अगर आप गौर करें तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ दुनिया के हंगामों में फरामोश हो जाती है वो भी मौत ही, यानी सबसे बड़ी हकीकत भी वही है। इतनी बड़ी हकीकत है कि एक इंसान अपनी सारी उमंगों, सारी आरज़ुओं, सारे शऊर, सारे इल्म, सारी दानिश, सारी हिकमत के साथ यक बयक उसका शिकार हो जाता है। अच्छा ये भी नहीं है कि इंसानी शऊर के लिहाज से उसका कोई वक्त मुकरर कर दिया जाए। चलिए आदमी ये ख्याल करे कि 50-60 साल तो हैं, 70-80 साल तो हैं, चलिए 10-20 साल ही हैं, नहीं वो किसी भी वक्त दरवाजे पर आकर दस्तक दे देगी और फिर किसी के लिए दरवाज़ा खोलने से इनकार करने की गुंजाइश नहीं। तो ये कायनात की, इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। चूँकि इंसान इसको फरामोश कर देता है तो इसलिए अल्लाह ताला इसकी याद दहानी कराते हैं। ये याद दहानी आपने कभी गौर किया होगा कि जब कभी मौत किसी हमारे अजीज़ करीबी के दरवाज़े पर आके दस्तक देती है तो चंद दिन के लिए ये बहुत याद रहती है, लेकिन बैसियत मजमुई कौमें इसको याद रखें, मुल्क इसको याद रखें, इंसानियत इसको याद रखें, वो शहरों के हजूम में गुम हो जाती है। अगर आप मिसाल के तौर पर कराची जैसे शहर में या लाहौर जैसे शहर में रोज़ाना अंदाज़ा करें कि कितने लोग रुखसत हो रहे हैं तो सैकड़ों होंगे, बल्कि शायद हज़ारों हों, लेकिन वो चूंकि बिखर कर दुनिया से जा रहे होते हैं तो अपने अपने पॉकेट में तो मौत याद दहानी करा रही होती है, शहर को नहीं करा रही होती। तो मौत की याद दहानी के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया के निज़ाम में हादसों की गुंजाइश रखी। कभी जलजला आ जाता है, कभी तूफ़ान उठ खड़ा होता है, कभी सुनामी आ जाता है, कभी आग लग जाती है, उसका नतीजा क्या निकलता है? वही मौत जिसमें हज़ारों रोज़ मर रहे थे और किसी को उसकी याद दहानी नहीं हुई, वो सारी अमवात एक जगह इकट्ठी करके पूरी इंसानियत को बाज़ औक़ात, पूरे मुल्क को बाज़ औक़ात खुदा उसकी याद दहानी कराता है। तो ये जो भी हादसे होते हैं इनके बारे में ये बात बिल्कुल गलत है कि ये अजाब के तौर पर होते हैं। अजाब का कुरान मजीद में एक कानून बयान हुआ है, अल्लाह ताला ने बताया है कि मा कुन्ना मुअज़्ज़बीन हत्ता नबअसा रसूला, हम जब किसी कौम को दुनिया में अजाब देने का फ़ैसला करते हैं तो पहले एक रसूल को भेजते हैं, उसके ज़रिए से हक को वाज़े करते हैं, फिर मानने वाले और ना मानने वालों को अलग करते हैं, और फिर मुनकरीन पर अजाब आता है, वो कश्ती नूह के मुसाफिरों पर नहीं आता। तो इस वजह से ये जो आम तौर पर लोग कह देते हैं कि खुदा का अजाब आ गया है और ये हो गया और बड़े गुनाह किसी बस्ती ने किए थे, ऐसा नहीं होता। यानी इसमें गुनाहगार भी जाते हैं, इसमें नेकोकार भी जाते हैं। ये जो हादसा होता है जिसका मैंने मिसाल दी आपको, इसमें खा जानवर मर रहे हों खा इंसान मर रहे हों, असल में मौत है वो जानवर पर भी आती है तो वैसे ही याद दहानी करती है, वैसे ही दिल को हिला देती है, वैसे ही मतवज्जे करती है।
तो मौत की याद दहानी के लिए यानी अल्लाह ताला ने दोनों एहतमाम किए हैं, फ़र्द फ़र्द को मौत की याद दहानी ख़ानदान में, दोस्तों में, अहबाब में होती रहती है। ज़िंदगी में हर शख्स को कुछ जनाजे उठाने ही पड़ते हैं, और बहसियत मजमू कौमों की याद दहानी के लिए जलजलों और तूफ़ानों की गुंजाइश रखती है दुनिया के अंदर। वरना जिस परवरदिगार ने यह दुनिया बनाई है उसके लिए कुछ मुश्किल न था कि वो इसको ऐसे बना देता कि ना इसमें कभी जलजला आता, ना कभी तूफ़ान उठता, ना कभी समंदरों में तलातुम आता, ना कभी दरिया उबलते, ना कभी हवाएं तुंद होती, ना कभी बारिशें लोगों को बहा ले जाती, कुछ भी ना होता। उसने ये गुंजाइश इसलिए रखी है, तो इस गुंजाइश के नतीजे में फिर कभी इस तरीके से जंगल के जंगल में जानवर मर जाते हैं, कभी इंसान इसी तरीके से। मैं आपको बता नहीं सकता कि जब हमारे मुल्क में चंद साल पहले आज़ाद कश्मीर में जलजला आया तो उसने मौत को किस तरह उठाकर, मालूम होता था कि जैसे स्टेज पर खड़ा कर दी, यानी मौत जो हर जगह मौजूद होती है, हर रोज़ आती है, हर शहर में नाजिल होती है, हर बस्ती में आती है, लेकिन चंद लोगों को मतवज्जे करके चली जाती है, उसने पूरे मुल्क को मतवज्जे कर दी। ये अलग बात है कि इंसान खुदा की इस याद दहानी से भी फ़ायदा ना उठाए, लेकिन इसका मकसद ये। सर थोड़ी तसल्ली नहीं हुई जी, ये एक जानवर का कसूर क्या था? वो तो बेचारा अजियत में मुब्तला हुआ, बेपनाह पेन से गुजरा होगा। चले इंसानों को तो कुछ कॉम्पनसेशन हो जाएगी कि वो शायद जन्नत में पहुंच जाएंगे अपने इस जो उनको पेन सफरिंग हुई है, लेकिन एक एक जानवर है उस बेचारे का क्या कसूर? तो आपका ख्याल है जन्नत में जानवर नहीं होंगे? नहीं, अगर तो वो होगा तो फिर तो ठीक है, लेकिन यकीनन होंगे यहाँ पे। उसकी वजह ये है कि ये दुनिया दर हकीकत जन्नत ही का एक नमूना है बड़े छोटे पैमाने पर। ये जो जानवर हैं, ये आप जानते हैं कि ये इस दुनिया की कितनी बड़ी रौनक है। इन्होंने इंसानों के साथ अपने आप को कैसे वाबस्ता किया हुआ है, ये किस तरह नज़र नवाजी का सामान करते हैं, सामिया नवाजी का सामान करते हैं, ये परिंदे हैं, ये चरिंदे हैं, बेशुमार चीज़ें हैं। तो खुदा की जन्नत जिस तरीके से बागात से आबाद होगी, उसमें परिंदे भी चहचहाएंगे, हिरन भी अटकेलियाँ करेंगे और इंसान भी होंगे। तो इस वजह से ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला हर एक को कंपनसेट करेगा, लेकिन यहाँ मौत को बहरहाल उसने इसलिए रखा है ताकि इंसानों को याद दहानी कराई जाती रहे कि ये दुनिया आर्जी है और इसके बाद असल ज़िंदगी शुरू होने वाली है।